हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ हरी भरी धनिया और गोभी की पकौड़ियाँ। तो यहाँ मैंने गोभी काट लिया है, गर्म पानी में धो के निकाल लिया है। यहाँ हम लेंगे 4 से 5 हरी मिर्च, 15 से 20 लहसुन की कलियाँ, 1 मुट्ठी से ज़्यादा ही धनिया काट के लिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा। इन सबको हम दरदरा पेस्ट बना लेंगे। यहाँ मैंने लिया है 100 ग्राम के करीब बेसन, और इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, हल्दी और जो हमने धनिया लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रखा था ना, उसको भी हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए, तो यहाँ ये भी हमने डाल दिया। थोड़ा सा इसमें पानी डाल के, बिल्कुल थोड़ा सा पानी जाएगा, कम 2 चम्मच के करीब, उसको डाल के हम एकदम से गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, हाथ से हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बिल्कुल हरे कलर का हो गया है ना हमारा बेसन। अब इसमें हम गोभी डाल के अच्छे से कोट करेंगे इसको। आप ऐसे ही आलू का भी बना सकते हो, किसी भी सब्जी का। अब हम यहाँ कढ़ाई रख दिए हैं गरम होने के लिए, गैस पे हमारा तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें गोभी के पकौड़े एक एक करके डालेंगे। ये देखिए, ये हमने धनिया को जो पीस के डाला है ना फ्रेंड्स, तो टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा आता है, थोड़ा सा अलग तरह का हो जाता है। इसमें मैंने मसाला बिल्कुल भी नहीं डाला है, आप चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो ऐसे भी ये बहुत टेस्टी लगता है। जब ये गोल्डन ब्राउन एक साइड से हो जाएगा ना, तो फिर हम दूसरे साइड में इसको पलट देंगे। ये देखिए, हमने इसको पलट दिया। आजकल ठंड का सीजन चल रहा है, गोभियाँ और धनिया पत्ते तो बहुत आ रहे हैं। फिर आप बनाइए, खाइए।